नमस्कार दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक डेटा है और इस डेटा को मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों एक एक करके टाइप करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और सेस पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और आप चले जाएंगे गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आप यहाँ से गूगल शीट खोल लीजिए। इसमें ब्लैंक शीट चूज कर लीजिए और इसके बाद इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब हमको डेटा को ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ। और इसके लिए तो यहाँ पे कॉलम है ही। अब एक फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे जिसको ट्रांसलेट करना है, कॉमा एच आई, सॉरी इंग्लिश में है तो इंग्लिश के लिए ई एन, फिर कॉमा किसमें कन्वर्ट करना है, हिंदी में तो हिंदी के लिए एच आई, और ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ये ट्रांसलेट होके आ गया। फिर इसको पकड़ के नीचे तक खींच देंगे या यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे। देखिए अब धीरे धीरे ये ट्रांसलेट कर रहा है, थोड़ा समय लेता है। देखिए पूरा ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ जगह पर देखिए पीएस, यानी पीएस को तो लिखना पड़ेगा हमें प्राथमिक विद्यालय, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि थोड़ी देर बाद इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप नाम के लिए अब यही फार्मूला हम देखते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये लेता है कि नहीं लेता है, देखिए ले लिया, यानी फार्मूला भी यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा, ये फार्म समझ गया कि इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब ये देखिए आपका पूरा ये ट्रांसलेट हो गया। नाम तो अधिकतर सही किया होगा, कुछ टेढ़े नाम जो होते हैं उसको नहीं कर पाता है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल, अच्छा ये वाला भी पद जो है डेजिग्नेशन उसको भी अगर ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दिया ऐसे ही नीचे तक। ये देखिए ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ से इसको आप कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके इसको आप एक्सेल में लेते जाइए। यहाँ से मैं एक्सेल में इसको पेस्ट कर दिया और देखिए दोस्तों ये फॉर्मेट टेक लगा हुआ है, पहले से था, इसको क्लियर फॉर्मेट पे कर देते हैं, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर फॉर्मेट। देखिए और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसको सबको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ए और बॉर्डर लगाने के लिए अल्ट एच बी ए क्लिक करेंगे, बॉर्डर लग गया, और कंट्रोल ए सी
से सेलेक्ट करके इसको बीच में लाना है। तो देखिए ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या नहीं चाहिए, तो ये तो ट्रांसलेट हो ही गया है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और वाराणसी की जगह पे हम लोग इंग्लिश में लिखा है, तो इसको यहाँ से फॉन्ट कृति देव चूज कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वाराणसी, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दिया, सब जगह वाराणसी हो गया। अब हमको ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया था, इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। देखिए आप कितना अच्छे से आपका ये डेटा तैयार हो गया। कुछ ही सेकेंडों में आपका ये पूरा डेटा तैयार हो गया। कहीं कहीं पे इसमें जो है आपकी गलती हो सकती है, जैसे पीएस की जगह थाना लिख दिया, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन समझ लिया है, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, आप कंट्रोल एफ जाकर पहले इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एफ, और उसमें जाकर ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फाइंड एंड रिप्लेस में कंट्रोल भी पी एस की जगह पे क्या करना है आपको करना है, यहाँ से मैं अपना गूगल ट्रांसलेट वाला खोल ले रहा हूँ इसको, और यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं रिप्लेस। क्या करना है, प्रा शून्य प्राथमिक विद्यालय और रिप्लेस ऑल। देखिए जहाँ पर पीएस था वहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय कर दिया, कुछ जगहों पे थाना लिख रहा है तो वहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, या ज़्यादा जगह पर होगा तो फाइंड और रिप्लेस के साथ इसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग आप मैनुअली अगर करते तो 1 घंटे का भी समय लग सकता है, और ये आपका मिनटों में ये आपका काम हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।